सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट बेस्ट एंड इसेंशियल बुक ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फॉर नीट। सो गाइज, इन सभी बेस्ट बुक्स को देखने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक, सो सबसे पहले गाइज देखिए, बहुत ज़्यादा बुक यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत ज़्यादा बुक यूज करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप एक सिंपल सा रूल फॉलो करिए कि आप कम से कम बुक यूज करिए, आप कम से कम बुक यूज करिए एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए। और नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज कि एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं शुरुआत से जब टाइम रहता है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि आना सब कुछ एनसीईआरटी से, आप देख ही रहे हैं पिछले 2-3 साल का पेपर एकदम डिट्टो एनसीईआरटी से बन रहा है, तो आपको एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है, एक्स्ट्रा मटेरियल पर जाना ही नहीं है। बस आप एनसीईआरटी को फॉलो करिए, एनसीईआरटी इज अ ब्रह्मास्त्र फॉर नीट। एनसीईआरटी को मान चलिए कि एनसीईआरटी नीट के लिए ब्रह्मास्त्र है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ गाइज, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के एनसीईआरटी को पढ़ के उसको अच्छे से समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक, वो तो सब ने पढ़ के देखा ही होगा। सो गाइज, इसीलिए मैं आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की सबसे बेस्ट थ्योरेटिकल बुक्स भी बताऊंगा, जिसमें बहुत इजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है और आप अपने कॉन्सेप्ट को ईजिली बिल्ड कर पाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो देखिए गाइज, फिजिक्स में थ्योरी के लिए जो हम लोगों को बुक यूज करनी है वो है एस सी वर्मा की। और सबसे बड़ी बात गाइज कि थ्योरी के साथ साथ इसके क्वेश्चंस भी लाजवाब है। ठीक, इसकी थ्योरी तो बहुत अच्छी है ही, उसके साथ साथ इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे दिए गए हैं। ठीक, सो गाइज, ये बहुत ही अच्छी बुक है एंड थ्योरी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक, अगर आपको एक एक लाइन अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। ठीक, और इसके अलावा इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो आपको पढ़ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ही ईजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। एंड गाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो सबसे अच्छी बुक है वो है एमटीजी फिंगर टिप्स की। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, टोटल नीट लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, उसके ऊपर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक, सबसे अच्छी बात इसकी रहती है कि एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चंस को डिजाइन किया जाता है। ठीक, तो सबसे बेस्ट बुक है नीट के लिए एमटीजी की फिंगर टिप्स क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड नेक्स्ट एक बुक जो कि आपको लेके रखनी है, एमटीजी की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, 31 ईयर के क्वेश्चन दिए रहते हैं लास्ट 31 ईयर के उसमें, एंड काफ़ी अच्छी बुक है और पतली सी बुक रहती है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस उसमें दिए रहते हैं। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए रहते हैं, तो ये बुक मस्ट है। ठीक, सो गाइज, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में हमको कौन कौन सी बुक यूज करनी है। तो देखिए, थ्योरी के लिए हम लोगों को यूज करना है ओपी टंडन, बहुत ही बेहतरीन बुक है ओपी टंडन। एक बार आप देख भी सकते हैं जाके कहीं पर दुकान पर, आप देखेंगे थ्योरी के लिए बहुत ही गजब की बुक है ओपी टंडन, इससे बेहतरीन बुक आपको नहीं मिलेगी। ठीक, एंड नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेम एमटीजी की फिंगर टिप्स आपको लेनी है केमिस्ट्री की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। और लास्ट में एमटीजी की प्रीवियस ईयर आपको लेनी है, ठीक, जिसमें 31 ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि नीट में आए रहते हैं पिछले सालों में। ठीक, एंड चैप्टर वाइज इसमें भी दिए रहते हैं क्वेश्चंस। सो गाइज, बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है, 99% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के बुक से मिल जाएंगे, आप प्रीवियस ईयर जाके देख सकते हैं। सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा बार एनसीईआरटी को पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी पे फोकस करिए। अगर आपको बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर लाना है तो आप एनसीईआरटी के बुक पर बस फोकस करिए, और उसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके लिए आप एमटीजी की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। और आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन करना है तो आप कोई एमसीक्यू वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक कर सकते हैं या टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।